हरजीत फौजी दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को राहू में मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। मेरे टीए के सरू, इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करना, आपको अच्छे से रनिंग करना है, अपने माता पिता को याद करके, अपने उस गुरुदेव को याद करके कि यार इस बार नहीं तो कभी नहीं। हार्ड वर्क करने वाले हमेशा 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 सफल होते हैं, बस मेहनत कुछ टाइम के लिए उनका इम्तिहान लेती है, लेकिन ज़िंदगी में वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है जोन फर्स्ट, जोन सेकंड और जोन थर्ड वाले, जोन फोर वाले शेर इस बार पक्का दहाड़ेंगे और अच्छे से अच्छे अपना परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन पक्का मिलेगा, आर्मी की वर्दी मिलेगी, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी, अपने परिवार में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो मेरे वीडियो को भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं आपका फौजी भाई, आपके लिए वीडियो बनाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो लड़के परेशान है डॉक्यूमेंट में, मेडिकल में और टीए आर्मी की भर्ती के बारे में, और साथ ही बताऊँगा नेक्स्ट ईयर टीए आर्मी की भर्तियाँ कब से आने वाली है। तो इस वीडियो को पक्का शेयर कर देना, और फौजी भाई को अगर पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों के फायदा है, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई। तो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी में जिन भी भाइयों को डॉक्यूमेंट में आउट किया गया है उनके लिए बहुत ही दुखद खबर थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा यार। एक लड़का है जो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से जाकर कोयम्बटूर में रनिंग फाइट करता है, एक्सीलेंट मारता है, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया जाता है, तो उसका सपना टूटने जैसा होता है, उसके दिल पे क्या बीती होती है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने फेलियर झेले हैं, हमने भी 15-15, 16-16 बार फेलियर देखा है, तो उन भाइयों की दिल की जो तकलीफ है उसे मैं समझता हूँ। लेकिन दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आगे फिर भर्तियाँ आ रही है, दिल छोटा नहीं करना है, हार के नहीं बैठना है, हार के अगर आप बैठ गए ना तो दोस्तों आपको उठाने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके परिवार के। तो अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए फिर से खड़े होना है, फिर से लड़ना है, फिर से उठना है, फिर से ग्राउंड में वो पताका लहराना है, फिर से वो वर्दी मिलेगी, 100% मिलेगी दोस्तों। तो ये उन सभी भाइयों के लिए है जो भाई पहली बार भर्ती देख रहे हैं, और जो भाई भर्ती नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, BSF CSF ITBP SSB की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप TA आर्मी में भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों तरफ से यहाँ फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रिलीजन सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, इस बार तीन डॉक्यूमेंट नए जोड़े गए हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट ना आपके पास होने चाहिए यार। जो रिलीजन सर्टिफिकेट है वो आपके गांव के डिस्ट्रिक्ट तहसील में बनेगा, एक ऑनलाइन फॉर्मेट ऑफलाइन फॉर्मेट निकलवा लो, उस पर अटेस्टेड होगा गाँव के जो आपके जो तहसीलदार वगैरह है, वो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई बंदा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म प्रमाण पत्र बोल सकते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है, उसका ई मित्र पे जाके ऑनलाइन आवेदन करवा दो, फिर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा, और जिसका नहीं भी बन पाता है तो भी भर्ती में ट्राई करना, क्योंकि हो सके आपको थोड़ा टाइम दे दें आप, ये वैसे ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है, बट इस बार उसको भर्ती टाइम कर दिया है, तो इसको भी आप जरूर अप्लाई कर दें। इसके बाद आता है दोस्तों जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये होता है जन्म प्रमाण पत्र, जो ये भी आपका ई मित्र पे 2-3 दिन में बन जाता है, तो आप ये भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपने पूरे ले जाना, क्योंकि दोस्तों आप इतनी इतनी दूर 200-250-300 किलोमीटर भर्ती देखने जा रहे हैं और आपके पास वो नहीं है, तो वहाँ से जब आपको फेलियर का मुंह देखना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है, दिल को बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप इन 2-3 चीज़ों से बचना है, इस बार पूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और दोस्तों अगले साल फिर से टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आने वाली है, तो निराश ना हो, जिनका अब ये बार नहीं हो पाया है तो उनको बेस्ट ऑफ लक यार, अगली बार आप पक्का 100% आप अच्छे से चांस लोगे, आपका सिलेक्शन होगा। और जो जिन भाइयों का मेडिकल होना है, रिटन टेस्ट अभी बाकी है, अच्छे से तैयारी करो मेरे भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों ये वीडियो इतना ही, बस जय हिंद जय हिंद।